To online class, class 4. Today I start your exercise and question answer of this chapter, unit 6, section C, my computer, my friend. ये जो poem है, इसका exercise और question answer आपको आज explain करूँगी. Who is the poet's best friend? Poet का best friend कौन था? Poet का best friend computer था. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे कुछ lines है जो आपको इस stanza poem में मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर complete करना है. फिर इसके सामने इसके synonyms लिखने हैं. Synonyms क्या होते हैं? जिनका same meaning होता है. Separated means अलग, apart. Home means घर, house. Exposed to danger यानी कि कुछ भी खतरनाक होने वाला, तो उसका synonym है endanger. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे दिए हैं और उन्होंने कहा है इन पर कुछ सेंटेंस बनाइए. जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका माउस, तो माउस पे हमने बनाया द कैट स्लोली अप्रोच द बिजी बुश वेयर द माउस वाज हाइडिंग. जो कैट है वो धीरे धीरे गई वहाँ पर जहाँ पर वो चूहा छुपा हुआ था. फिर उसके बाद काउच, काउच क्या है, रोहन क्रॉस टू द काउच. रोहन ने काउच यानी सोफे को क्रॉस करा और वहाँ जाके बैठ गया. स्लाउच यानी कंधे झुकाना. माई फ्रेंड ट्राइड टू सिट अप स्ट्रेट, मेरा दोस्त कोशिश कर रहा था कि वो सीधा बैठे, स्लाउच ना हो, कंधे ना झुकाए. वायरस वो तो आपको पता ही है, विषाणु. द वायरस कैन नॉट लिव इन इमर्स्ड इंडिविजुअल नॉट इन अ नेचर. वायरस कभी भी प्रकृति में कभी भी ऐसी प्लेन नहीं पाया जाता, हमेशा जीवित चीज़ों में पाया जाता है जिसमें सांस ली जाती है. ड्रीम मीन्स सपना. अ फ्लैश ऑफ अ ड्रीम वेंट थ्रू हर माइंड. उसके दिमाग में एक सपना, सपने का फ्लैश यानी एक झलक सी आई. मैचिंग देखिए, ईमेल, ईमेल को हम मैच करते हैं इससे. इलेक्ट्रॉनिक प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मैचेस डॉक्यूमेंट और इमेजेस. अटैचमेंट, अटैचमेंट का है फाइल्स और वेब पेजेस एनक्लोज विद एन ईमेल. चैट, चैट का है अ लाइव टॉक सेशन विद अदर इंटरनेट यूजर वेयर बाय अ कन्वर्सेशन इज एक्सचेंज बैक और फोर्थ. एक लाइव सेशन जिसमें इंटरनेट यूज़र अपनी बात को कहता है सामने वाले से. डाउनलोड, कुछ भी डाउनलोड कर लेना नेट से, जैसे कॉपिंग फाइल, फाइल, ईमेल, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट, कुछ भी डाउनलोड कर लेना. एंड यूआरएल, यूआरएल होता है एक लोकेटर कमांडर जो कि यूज़ करा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, ताकि वो कोई भी लिंक को क्रिएट कर सके और उसको ऑपरेट कर सके. और इंटरनेट एड्रेस कोई भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसको कर सके. नाउ लेट्स कम ऑन वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर. ओके, वर्ड मीनिंग इज ऑफ दिस चैप्टर एम्बिशंस. एम्बिशंस मीन्स होता है महत्वाकांक्षा. थॉट मीन्स विचार. रेजिडेंस मीन्स रहने का स्थान. एग्रोनॉमिक मीन्स कर्मचारी, परिस्थिति, विज्ञान. स्लाउच मीन्स कंधे झुकाकर चलना. पोर्ट मीन्स बंदरगाह. अपार्ट मीन्स अलग. इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा. क्वाइट मीन्स शांत. स्ट्रेट मीन्स सीधा. विजिट मीन्स यात्रा करना. और ड्रीम मीन्स सपना. नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएट शेयर विद हिज फ्रेंड. पोएट ने अपने दोस्त के साथ क्या शेयर किया था. पोएट शेयर हिज एम्बिशन, थॉट एंड ड्रीम्स विद हिज फ्रेंड. पोएट ने अपना जो उसका लक्ष्य था, जो उसके विचार थे, जो उसके सपने थे, वो अपने दोस्त से कहे. व्हाट डिड द पोएट सी. पोएट ने वो क्या देखा. व्हेन ही केम टू हिज फ्रेंड्स हाउस. जब वो अपने दोस्त के घर गया. द पोएट सॉ. पोएट ने देखा विंडोज़, प्रोग्राम, फ्लॉपी, वायरस, इन सब चीज़ों को देखा. व्हेन ही केम टू हिज फ्रेंड्स होम. जब वो अपने दोस्त के घर गया. सो टुडे दिस चैप्टर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट. अब आज आपका पूरा ये पूरी पोएम, इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन सब कम्प्लीट हो गया है. ओके, थैंक यू क्लास.